स्वागत बंधन। आज हम यहाँ पर कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरो भाग दो, जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, तो आज उस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप ना मानने के पीछे अंबेडकर जी की क्या तर्क है? उत्तर, अंबेडकर जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप नहीं मानते हैं। इसके लिए उन्होंने अनेक तर्क दिए। सर्वप्रथम तो जाति प्रथा जन्म के आधार पर जातियों को विभाजन करती है, जबकि श्रम विभाजन में कार्य कुशलता के लिए पेशों का वर्गीकरण किया जाता है। जाति प्रथा श्रमिकों का विभाजन कर उसमें ऊंच नीच का भेद पैदा करती है। जाति प्रथा में श्रमिकों की रुचि क्षमता का ध्यान नहीं रखा जाता। पेशा चुनने स्वतंत्रता नहीं होती। जन्म से ही प्राप्त धंधा जीवन भर के लिए निर्धारित हो जाता। पेशा जो है अनुपयुक्त ना और ना अपर्याप्त होने कारण भूखों मरने की नौबत, बेरोजगारी, अकुशलता, निष्क्रियता आ जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा बदलने की संभावना नहीं होती। प्रश्न दूसरा, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी, भुखमरी का भी एक कारण है, कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? उत्तर, जाति प्रथा व्यक्ति को जन्म से ही पेशा निश्चित करके जीवन भर के लिए उसी पेशे से बांध देती, चाहे वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त हो। विज्ञान की प्रगति के कारण पेशा बदलने की जरूरत हो, पर जाति प्रथा बदलने की अनुमति ना दे, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भुखमरी, बेरोजगारी का सामना करना पड़ता। परंतु वर्तमान में जाति प्रथा के ही बंधन जो है क्या है, ढीले पड़ रहे हैं। शिक्षा, सरकारी कानून, सामाजिक सुधार, पर्यटन के प्रति रुझान, विचारों में उदारता आने के कारण व्यक्ति परंपरागत पेशे को छोड़कर अन्य पेशों को अपना रहे। लेखक के मत से रास्ता व्यापक परिभाषा क्या है? तो उत्तर है, लेखक के मत में जब किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती तो यह भी दासता का ही व्यापक रूप है। अर्थात पेशा चुनने की स्वतंत्रता ना होना दासता है, कानूनी पराधीनता ही दासता नहीं होती। जब किसी व्यक्ति के या वर्ग के द्वारा अन्य व्यक्ति के पेशे, कार्य या कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं तो वह स्थिति भी दासता है। प्रश्न, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते? इसके पीछे उनका क्या तर्क? उत्तर है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता पाई जाती तथा दो बातें व्यक्ति को अपने वश में मतलब जो है नहीं होती है। क्या नहीं होती है? फिर भी क्या इनके साथ असमानता का व्यवहार करना चाहिए? लेखक का तर्क है कि असमानता होते हुए भी व्यवहार सिद्धांत को मानते हुए समता का व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए, यही न्याय की मांग है। समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर दिए जाएं तथा समान व्यवहार किया जाए। राजनेताओं को भी सबके साथ समता का व्यवहार करना चाहिए। अंबेडकर जी की समता का सिद्धांत यही है। सही में अंबेडकर जी ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक परिस्थितियों, जीवन सुविधाओं का तर्क दिया। क्या इससे आप सहमत हैं? उत्तर है, अंबेडकर जी भारतीय हिंदू समाज में व्याप्त जातिवाद को समाप्त करने के पक्षधर थे। उन्होंने कहा था कि इसे कानून के द्वारा समाप्त किया जा सकता, परंतु कानून तो ऊपरी होता। जब समाज में मानवीय दृष्टि को आधार मानकर भावनात्मक रूप से समता को अपनाया जाएगा तभी जातिवाद से जो व्याप्त ऊंच नीच की भावना है वह समाप्त होगी और समत्व की भावना की प्रतिष्ठा के लिए सबको भौतिक सुविधाएं और जीवन की सुविधा उपलब्ध हो सकेंगी। शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार समाज में असमानता पैदा करते हैं। व्यक्ति के प्रयत्न जो है समता के व्यवहार सिद्धांत को मानने का आग्रह था, सबको समान मानने की प्रेरणा देता। इसी प्रेरणा से जातिवाद का क्या हुआ? उन्मूलन, अर्थात जातिवाद समाप्त होगा और व्यक्ति को रोजगार चुनने की स्वतंत्रता होगी और व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों तथा जीवन सुविधाओं में
सुधार होगा। इस प्रकार हम इस कथन से पूर्ण सहमत, यह विडंबना की बात है, ऐसा अम्बेडकर जी ने क्यों कहा? तो इसका उत्तर आएगा कि अम्बेडकर जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज के युग में भी जाति बात के पुष्पों की कमी नहीं है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन पेशे का विभाजन आवश्यक मानता, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। वे आज भी जाति बात का समर्थन करते हैं और यह विडंबना की बात है। श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन दोनों में अंतर है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। श्रम विभाजन तथा श्रमिक विभाजन दोनों में शब्द जाति प्रथा से जुड़े होने के पर भी दोनों में बहुत अंतर है। जाति प्रथा में पेशों का वर्गीकरण जन्म से कर्म के आधार पर होता है, जिसे श्रम विभाजन कहते हैं, लेकिन जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी यानी श्रमिकों के वर्ग का विभाजन करती है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रमिक विभाजन में श्रमिकों के वर्ग होते हैं जिनमें ऊंची का भेदभाव होता है, और श्रम विभाजन स्वाभाविक है तो श्रमिक विभाजन अस्वाभाविक है। जाति प्रथा के श्रम विभाजन का मूल दोष क्या? जाति प्रथा के श्रम विभाजन का मूल दोष है कि व्यक्ति का पेशा जन्म के साथ निर्धारित हो जाता है। यही नहीं, मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध दिया जाता है। इस प्रकार श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता, उसे नया पेशा चुनने और पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती है। फिर है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। कैसे? यहाँ देखिए, अनुपयुक्त अपर्याप्त पेशा होने पर आधुनिक युग में उद्योग धंधों की जो प्रक्रिया है, तकनीक निरंतर विकास, अकस्मात परिवर्तन के कारण पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन जाति प्रथा पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की वर्तमान पेशे में अरुचि दुर्भावना जगाने के कारण कार्य क्षमता घट जाती, निष्क्रियता आ जाती, जिसका सीधा प्रभाव आर्थिक पहलू पर पड़ता है, जिससे वह बेरोजगार हो जाता है और भूख को मारने की नौबत आती। फिर बाबा साहेब के आदर्श समाज में भ्रातता का क्या महत्व है? तो देखिए, बाबा साहेब का आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भ्रातता पर आधारित होगा। भ्रातता का अर्थ है भाईचारा। किसी भी आदर्श समाज को भाईचारे की भावना पर कोई आपत्ति नहीं होती। समाज में इतनी गतिशीलता होगी कि कोई भी वांछित परिवर्तन सबके द्वारा सहज स्वीकार किया जाए। सबके हितों में सबका सहयोग होगा, सबको सबकी रक्षा उन्नति के लिए संभाव से प्रयत्न करना होगा, सबके मतलब जो है आवाज संपर्क होंगे, तथा भ्रातता दूध पानी के मिश्रण के समान होगी। अम्बेडकर जी के अनुसार समाज में व्यक्ति को कौन कौन से स्वतंत्रताएं प्राप्त है और कौन सी नहीं? अम्बेडकर जी के अनुसार समाज में व्यक्ति को अपने जाने की स्वतंत्रता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने के अधिकार की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन के लिए स्वतंत्रता, आवश्यक औजार सामग्री रखने की स्वतंत्रता को प्राप्त है। परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता अर्थात व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को भी प्राप्त नहीं है। फिर है दूध पानी के मिश्रण जैसे भाईचारे को लोकतंत्र क्यों कहा गया है? बाबा साहेब के आदर्श समाज का एक मुख्य तत्व भ्रातता है, जो दूध पानी के मिश्रण के समान होती भाईचारे के इसी वास्तविक रूप को लोकतंत्र कहा गया है। लोकतंत्र शासन की पद्धति नहीं बल्कि सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सबकी सम्मिलित विचारधारा, सामूहिक जीवन जीने का तरीका, सबके प्रति श्रद्धा सम्मान रखना ही सच्चा भाईचारा अर्थात लोकतंत्र है। फिर मनुष्य की क्षमता किन तीन बातों पर निर्भर करती है? कैसे? मनुष्य की क्षमता निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते। क्या समाज को उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? प्रश्न। हमें तीनों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। साथ ही समाज यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है तो समाज के सदस्यों को समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराएं। फिर लेखक ने समता को काल्पनिक जगत की वस्तु का स्पष्ट करो। डॉक्टर अम्बेडकर जी के आदर्श समाज का तीसरा तत्व है समता। समता है फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द विवादित ही रहा। समाज में सभी सदस्य समान नहीं होते, अतः समता का एक व्यवहार एक भ्रामक शब्द है। शाब्दिक अर्थ में समता एक काल्पनिक जगत की वस्तु है, इसलिए समान व्यवहार नहीं हो सकता। लेकिन समता एक नियामक अर्थात दिशा देने वाला विचार है, अतः समता काल्पनिक होते हुए भी व्यवहार की एकमात्र कसौटी है।
इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर श्रम विभाजन जाति प्रथा इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ाया समझाया। परीक्षा के लिए आप इनको बहुत अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद। आप इनको परीक्षा के लिए इन प्रश्न उत्तरों को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और यहाँ पर आपका जो हिंदी का हिंदी विषय का जो कोर्स है वो यहाँ पर बेटा पूरा होता है। आप परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करें। धन्यवाद।